हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी 2022 की प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। 2022 का पेपर अभी मई में होने वाला है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए जिससे हम 75 प्लस मार्क्स टारगेट कर पाए। 75 प्लस मैंने जनरल के लिए लिखा है। आपने 2021 का कट ऑफ देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा चला गया है। इसके लिए अगर आप 2022 का थोड़ा इजी पेपर आता है तो आपको 75 प्लस से मतलब 80 तक आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको 80 नंबर लाने हैं, मतलब आपके पास सिर्फ 20 नंबर का मार्जिन है गलत करने का। इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो आप सिर्फ 20 नंबर का गलत कर सकते हैं, इतना ही चांस है अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटजी होनी चाहिए कि आपको किस टॉपिक से कितने मार्क्स कवर करने हैं। ये सारा स्ट्रैटेजी प्रॉपर आज हम देखेंगे। आपके पास प्रीलिम्स में जो सिलेबस दिया हुआ है, प्रीलिम्स में जो सिलेबस दिया है उसमें कितने यूनिट है, 10 यूनिट है, ठीक है। किसी भी पेपर की तैयारी करते टाइम हम क्या देखते हैं, जैसे कि आप, मैं किसी भी पेपर की बात करूँ, किसी भी पेपर में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिलेबस। हम पहले सिलेबस चेक करते हैं कि सिलेबस कितना आया हुआ है, कैसे सिलेबस है, क्या पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो हम सबसे पहले सिलेबस चेक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, जैसे हमने देखा सिलेबस प्रीलिम्स का कितना है, 10 यूनिट है। तो क्या ऐसा है कि सारी यूनिट से सेम नंबर के क्वेश्चन आने हैं, मतलब हर यूनिट से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा है क्या? तो हमें कैसे पता चलेगा ऐसा है या ऐसा नहीं है? इसके लिए हमें एक चीज़ होती है क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसके लिए हम क्या देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास 2021 का है, 2020 का है, ठीक है, 2019 का है। 2020 में सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी 2019, 18 इन सब पेपर को हम देखते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। क्या करेंगे हम, एनालाइज करेंगे कि पहले कैसा पेपर पूछा गया है, उस हिसाब से आने वाले टाइम पे कैसा पेपर पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं 2021 की बात करूँ, 2021 में यूनिट 10 यूनिट में से हर यूनिट को बराबर बराबर नंबर नहीं मिले हैं। जैसे कि आपका एमपी, ठीक है, एमपी की 3 यूनिट्स हैं, तो 3 यूनिट्स में 40 नंबर का आ गया है। मैं आपको अभी पेपर दिखाऊंगी, अच्छे से हम पूरा एनालाइज करेंगे उसको। एमपी से 3 यूनिट है लेकिन आया 40 नंबर का है। जैसे आपका हो गया ज्योग्राफी, भूगोल, यहाँ से आपको 12 नंबर का मिलेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही अलग अलग है, यहाँ पे हो गया आपका आयोग, ठीक है, कमीशन जो है आयोग, आयोग से आपको 10 नंबर का मिलेगा। फिर एक आईटी वाला है, कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है, आईटी से भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे आपके हर यूनिट से सेम अमाउंट के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस, जैसे एमपी से आपके 40 नंबर के क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी से 12 हो गया, ऐसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आयोग, कंप्यूटर, आईटी वाला जो सेक्शन है, तो कौन सा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन में आपको कितना ध्यान देना है। इसके अलावा जैसे आयोग भी पढ़ना है तो हमें ये देखना है कि आयोग से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टॉपिक में हमें कितना डीप जाके पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मध्य प्रदेश की ही बात करूँ तो मध्य प्रदेश में हमें कहाँ कितना डीप जाना है, कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें हम कैसे देखेंगे, जब हम पेपर एनालाइज करेंगे। पेपर सबसे पहले देखते हैं हम, आज 2021 का पेपर एनालाइज करेंगे, ठीक है, 2021 का पेपर एनालाइज करेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बने हैं पिछले साल और अभी कैसे बनने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि 2021 में मध्य प्रदेश के 40 क्वेश्चन आए थे। मैंने बताया कि इसमें 3 यूनिट्स हैं, ठीक है, 3 यूनिट हैं, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, वो किससे रिलेटेड है, वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, इतिहास। तो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड पूरा हर चीज़ यूनिट 1 में है। फिर आपको दूसरी यूनिट मिलेगी, ठीक है, यूनिट जो थर्ड है, यूनिट थर्ड में ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, मध्य प्रदेश की भूगोल जो है पूरी यूनिट 3 में है। फिर हो गया आपका यूनिट 5, यूनिट 5 में आपका पॉलिटी, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो पॉलिटी है, उसके अलावा इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी, ये मध्य प्रदेश की पॉलिटी और इकोनॉमी आपको यूनिट 5 में मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के 3 यूनिट मिलेंगी आपको, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5। तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारा है। इसी में आपको एक सेक्शन मिलेगा यूनिट 8 में, जहाँ पे स्पोर्ट्स और करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं।
ठीक है, स्पोर्ट्स और करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये भी आप मान सकते हैं कि ये आपके 4 यूनिट टोटल हो गए। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट्स और करंट, ये यहाँ से भी जो आपके क्वेश्चन है ना, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ के बनते हैं, आपका 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स का बनेगा, 2 क्वेश्चन आपका करंट का बन जाएगा। इसके अलावा ये मान लीजिए आपके 10-10 मैंने बांट दिए, 10-10 इसके, 10 इसके। इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है वो आपका 6 से 7 क्वेश्चन इसका आ गया। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ये आपको देख के चलना है कि इकोनॉमी ठीक है थोड़ा कम पूछी जाती है, लेकिन हिस्ट्री में रिलीजियस वाला पोर्शन, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सेक्शन आपके बहुत अच्छे से बांटे हुए हैं और कम से कम 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स से 2-3 नंबर के क्वेश्चन मध्य प्रदेश से आ जाते हैं, करंट के मध्य प्रदेश से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन। तो ये आपका मध्य प्रदेश सेक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही जब हम बात करेंगे इतिहास की, इतिहास हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है ये कौन सा है, ये है आपका यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में सीधे सीधे दिया हुआ है कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम 2021 वाला पेपर देखेंगे तो हम देखेंगे कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहा है। इसमें आपके 3 होते हैं, एक तो क्या होता है आपका एंशियंट, ठीक है, एंशियंट मतलब आपका प्राचीन भारत जो हो गया, फिर एक होता है मध्यकालीन, ठीक है, मिडिवल, तो मध्यकालीन भारत, फिर उसके बाद तीसरा आता है आपका मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न मतलब आधुनिक भारत। तो आपका एंशियंट और मिडाइवल से जो है यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं, मान लीजिए यहाँ से 2-2 क्वेश्चन बन गए, मॉडर्न से आपके जैसे है 4 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो एवरेज निकाल के चलिएगा कि जो आपका मॉडर्न है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम जब यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2021 का, तो देखेंगे मॉडर्न से भी किस टाइप के क्वेश्चन बने रहे हैं। हमें ये भी देखना है कि टाइप कैसा है उन क्वेश्चन का, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है। मतलब इतिहास को अगर आप लेके चले तो एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, इन सब का खुद का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है, छोड़ना क्या क्या है। मतलब आपने अगर 100% पढ़ भी लिया तो 100% तो याद रहेगा नहीं, ठीक है, उनमें से कुछ ही चीज़ें याद रहेंगी। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए 50% हम ऐसे क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करें जिसकी आने की संभावना ज़्यादा है। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि यही आना चाहिए, यही आएगा ही, लेकिन संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो इतिहास का आपका 9 पूछा गया है, 2021 में आया है। फिर भूगोल के 12 क्वेश्चन आए हैं। भूगोल का सिलेबस थोड़ा बड़ा हो गया है, किसमें, क्योंकि इसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी भी है, ठीक है, और इसके अलावा आपका क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी भी है, और इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा आपको सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी मिलेगी। ठीक है, आप जब सिलेबस अच्छे से देखेंगे प्रीलिम्स का, तो आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे। तो आपको वर्ड से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे 5-6 क्वेश्चन, ठीक है, इंडियन से भी आपको 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने आए हैं, यहाँ तो 12 आए हैं, लेकिन ये आपको पैटर्न देख के चलना है कि वर्ड से, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। हम ये भी देखेंगे कि वर्ल्ड से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से दी हुई हैं, तो आप सिलेबस भी देखते चलेंगे। फिर नेक्स्ट आया राजव्यवस्था, आपका पॉलिटी। पॉलिटी जो है वो है यूनिट 6। इसी यूनिट में आपका पॉलिटी के साथ साथ जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के साथ साथ क्या दिया हुआ है, इकोनॉमी भी दिया हुआ है, इकोनॉमी। ठीक है, तो यूनिट 6 में ही है। तो ये 8 नंबर जो है, तो इसमें से आप ऐसा मान के चलिए कि 6 इससे होगा, 2 नंबर का इससे होगा। तो आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी के क्वेश्चन जो है वो कम है, 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमी के रहते हैं, प्योर इकोनॉमी के, और आपके पॉलिटी के 6 से 7 क्वेश्चन इसके रहते हैं। तो ये आपको देख के चलना है, 2021 में 8 क्वेश्चन आए हुए हैं पॉलिटी और इकोनॉमी के मिला के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान, साइंस। साइंस कौन सा है, ये है आपका यूनिट 7। 7 है 7 क्वेश्चन आए हैं इस बार। इसमें से भी आपको जो ह्यूमन बॉडी वाला टॉपिक है, इसमें भी काफ़ी डिटेल में सिलेबस में लिखा हुआ है, ह्यूमन बॉडी वाला जो टॉपिक है उससे, मतलब जो आपका बायो वाला है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बायो वाला है। फिर एक आपका साइंस है जो बेसिक साइंस है, फिर आपका स्पेस वाला है, स्पेस से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या न्यूट्रिशन वाला है, न्यूट्रिशन वाला जैसे कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो रहा है, ये सारी चीज़ें, तो ये आपको किस में देखना है, विज्ञान वाले पोर्शन में देखना है। तो ये यूनिट 7 जिसमें से बायो के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको,
फिर उसके अलावा बेसिक साइंस हो गया, स्पेस हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फूड एंड प्रोसेसिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगला देखेंगे हम आईटी, कंप्यूटर वाला। कंप्यूटर वाला भी जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, इसमें इंटरनेट भी है, ठीक है, इंटरनेट भी ऐड हो गया है, कंप्यूटर वाली सारी चीज़ें जो पहले थी वो तो ऐड ही हैं, ठीक है, साइबर क्राइम वगैरह सब इसमें ऐड ही हो जाएगा। इसके अलावा जो टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है, वो है रोबोटिक्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ई कॉमर्स हो गया है, ठीक है, ई कॉमर्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं, और इसकी वजह से आईटी का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और इसमें बहुत अलग अलग क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। अभी आप देखेंगे 2021 में, उसके अलावा 2020 में काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन मिले हैं। तो ये क्या होता है कि आप कितना भी पढ़ लें, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके छूट ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो और टॉपिक है जैसे कि मध्य प्रदेश, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, इन सबको ज़्यादा मजबूत करना है कि यहाँ ज़्यादा आपको स्कोर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आयोग कमीशन जो है, ये है यूनिट 10 में, ठीक है, यूनिट 10 में कमीशन है और 10 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आयोग वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ भी आप 10 में से कम 8 जो है ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी आपका अच्छा टॉपिक माना जाएगा स्कोर करने के लिए, ठीक है। करंट अफेयर का देखना है, आप 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर में। आपका स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन है, स्पोर्ट्स और जो आपका करंट अफेयर वाला है, ये है आपका यूनिट 8, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यूनिट 8 में स्पोर्ट्स है, फिर करंट अफेयर में क्या हो सकता है, कोई इवेंट पूछा जा सकता है या कोई पर्सनालिटी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है वो भी पूछे जा सकते हैं। यही सारी चीज़ें आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी पूछी जा सकती हैं, कि जैसे इवेंट पूछ लिया, पर्सनालिटी पूछ ली, ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो अकादमी है मध्य प्रदेश की, अलग अलग खेल से रिलेटेड वो पूछा जा सकता है। तो ये हम देख चुके हैं मध्य प्रदेश वाले सेक्शन में। तो ये इसके 40 नंबर, ये 9 नंबर का, ये भूगोल 12 नंबर का आपका निकल गया है, 10 से ज़्यादा, राजव्यवस्था थोड़ा 10 से थोड़ा कम है, विज्ञान और थोड़ा कम है। तो विज्ञान का भी मान के चल सकते हैं कि आपका कभी कभी 7 क्वेश्चन है तो कभी कभी 12 क्वेश्चन तक चला जाता है, ठीक है, तो इसकी भी बड़ी वैरायटी है। आईटी वाला भी आपका 8 से 10 क्वेश्चन आता ही आता है कंप्यूटर से रिलेटेड, आयोग से 10 क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं, करंट अफेयर के 3-4 रहते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा क्या, कि हमें प्रिलिम्स में किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे हम 75+ मार्क्स ला पाएँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 2021 का। अच्छा, आज जो है वो मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी सॉल्व करवाने पे, हमारा फोकस रहेगा कौन सा टॉपिक, कैसे टॉपिक पूछे गए हैं और आने वाले टाइम पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है सहायक नदियाँ और कौन सी बेसिक जो आपकी मेन नदी है वो, जैसे ट्रिब्यूटरीज और रिवर। तो आप देख रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश का है एक तो क्वेश्चन, ठीक है, मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज पूछी गई हैं और नदियाँ पूछी गई हैं, तो सबसे पहले तो ये कहाँ से उद्गम कहाँ पे है, ठीक है, उद्गम पूछ लिया, मुहाना पूछ लिया, ठीक है, उसके अलावा कितने किलोमीटर है और किन किन राज्यों से होकर जाती है, सीमा कौन सी बनाती है, तो ये सारी आपको नदियों से रिलेटेड, मतलब ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया मध्य प्रदेश का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको पेपर पढ़ते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ऐसे जो छोटे छोटे शब्द नहीं बीच में छुपा रहता है, ये आप ध्यान से अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो ये भी आपका मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी में। इसमें क्या होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, इतने सारे ऑप्शन में कौन सा नहीं है। इसका आंसर है डी, 50% से अधिक वर्षा होती है एक्चुअल में। फिर कर्क रेखा से नहीं गुजरता, ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। तो ये याद रखना है आपको कि ज्योग्राफी वाले ये लगातार क्वेश्चन पूछे हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ इंदौर से नहीं गुजरती है, इसका भी आंसर देख लीजिए। जो बेतवा है वो किसकी है, वो यमुना की है। छिप्रा जो है वो किसकी है, चंबल की है। वेनगंगा गोदावरी की, तवा जो आपकी नर्मदा की, ठीक है। फिर कोयला और पेट्रोलियम, ये आपका ज्योग्राफी है, नॉर्मल फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। ये परत और अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स की है, ठीक है। फिर काली मिट्टी नहीं पाई जाती, ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। किस क्षेत्र में नहीं होती, बघेलखंड वाले में नहीं है, जो आपका मध्य प्रदेश का मैप है, तो मध्य प्रदेश के यहाँ आपको मिलती है काली मिट्टी। तो यहाँ जो मालवा का पठार हो गया, ठीक है, नर्मदा घाटी हो गई और सतपुड़ा हो गया, यहाँ तो मिल ही रहा है, तो बघेलखंड वाले एरिया में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, कॉर्बेट
टाइगर रिजर्व। अच्छा, ये काली मिट्टी के बारे में पूछा है, तो आपको और जो दूसरी मिट्टियां हैं उनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है? तो आपका मिट्टियां इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा ये जो आपका कृषि वाला पोर्शन है, ठीक है, कृषि अलग से टॉपिक दिया ही हुआ है प्रीलिम्स में, तो आपको कृषि से रिलेटेड सारी चीज़ें याद रखनी है। अब ये आपको जैसे ये हो गया फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मतलब नेशनल पार्क जो है आपसे वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो मेन मेन नेशनल पार्क हैं इंडिया पे, इंडिया के लेवल पे, एमपी के लेवल पे तो याद रखना नहीं है, इंडिया के लेवल पे तो वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है? ये कहाँ पे, अपना उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखिए WHO की स्थापना। अब WHO की पूछा हुआ है, ये कब है, 7 अप्रैल 1948, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसके अलावा अपना कौन सा हो गया, यूनेस्को हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हो गया, फिर WTO हो गया, और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। हमें इन सब की हेडक्वार्टर भी याद करने हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद करना है, तो ये सारे हमें याद करने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप कहेंगे कि मैम आप लगभग सभी चीज़ें बता दे रही हैं कि सभी याद कर लो, इससे बेटर तो हम सभी याद कर लें। तो ये चीज़ है कि आपको 100% में से पढ़ना तो हर चीज़ ही है, लेकिन कम से कम ये तो पता है ना कि आपको जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से 50% कन्फर्म है कि यहीं कहीं से पूछा जाएगा। वैसे तो आपको बिल्कुल नहीं पता है कि कहाँ से पूछा जाएगा, लेकिन जो संभावना है ये, मतलब कि अगर मान लीजिए आप बहुत जगह एक जंगल के बीच में खड़े हैं और आपको कोई रास्ता नहीं पता है, ठीक है, जंगल के बीच में है, बहुत सारे रास्ता जा रहे हैं हर तरफ, आपको नहीं पता कि कौन सा रास्ता है, आप बीच में खड़े हैं, लेकिन जो मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि ये आप पढ़ सकते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आपको एक रास्ता कन्फर्म दिख रहा है कि हाँ ये रास्ता है, आपको कम से कम पता तो चल रहा है कि इस रास्ते में जाना है। मतलब इतना सारा सिलेबस है उसमें से मेन मेन क्या क्या पढ़ना है, मतलब जो छोड़ना बिल्कुल नहीं, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, आपको एक रास्ता कन्फर्म मिल गया। अब रास्ता कठिन है, बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं, कांटे हैं, बहुत दुर्गम रास्ता है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता तो है कि रास्ता यही है। तो यही आपका MBPSC प्रीलिम्स का है, आपको बहुत सारा पढ़ना है लेकिन एटलीस्ट ये तो पता है क्या क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पूछने को, तो वो फिर कुछ भी पूछेगा, ठीक है, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस, एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया गया है, ठीक है, तो विच इंडियन स्टेट रिसेंटली रेडियो टैग्ड एन इंडियन पेंगोलिन, ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आंसर अपना मध्य प्रदेश था, तो MP करंट वाला पोर्शन ये आपका हो गया। MP करंट के आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये याद रखना है, ठीक है। फिर फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है, ठीक है, फास्फेटेज टेस्ट इज यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ, ये मिल्क के एनालिसिस के लिए होता है, ठीक है, तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। साइंस वाले में भी ये बेसिक साइंस में आता है, ठीक है, तो बेसिक साइंस से रिलेटेड आपको चीज़ें याद रखनी है। फिर हो गया आपका सारोगासो सी, फिर जैसे ये सारोगासो सी ये जो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो जैसे ये पूछा हुआ है सी के बारे में, तो आपको सारे सी पढ़ने हैं, ओशियन पढ़ने हैं मेन मेन, ठीक है, उनके अलावा लोकेशन पढ़नी है, लोकेशन वर्ल्ड की कौन सा जो कॉन्टिनेंट है, मतलब आपका महाद्वीप है, महाद्वीप से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। फिर किस जलमार्ग का आर्थिक तथा ये कौन सा है अपना, ये नॉर्थ अटलांटिक में ही है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक। फिर निम्न में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है, ठीक है, इसमें क्या पूछा है, वाटरवे जो है वो इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, इसमें मतलब इंपॉर्टेंट पनामा भी है, मलक्का भी है, लेकिन स्ट्रैटेजिक पूछा हुआ है, ये आपका स्वेज कनाल है, ठीक है, स्वेज नहर। फिर नवीन वलित पर्वत, अच्छा इसमें वाटरवे जो है वो, अब इसमें आप देख ही रहे हैं पाक हो गया, मलक्का हो गया, पनामा हो गया, तो इनके लिए आपको देखना है कि अलग से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये किस ओशन को या सी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ओशन सी को कनेक्ट करते हैं, किस या फिर पूछ सकता है कि किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में है, उसके अलावा किस कंट्री से टच करते हैं बाउंड्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इनके से रिलेटेड देख लेनी है। इनके अलावा और जो भी आपके वाटरवेज हैं उनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड लेवल पे। फिर नवीन वलित पर्वत नहीं है, नहीं वर्ड देखना है, ठीक है। यंग फोल्डेड माउंटेन, इसमें से सेरा नेवाडा नहीं है, तो आपको देखना है कि जो माउंटेन है उनके टाइप क्या होते हैं, तो फोल्डेड माउंटेन जो एक टाइप है, तो उसमें से कौन कौन से है इसके एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा जैसे रेसिडुअल होता है, रेसिडुअल माउंटेन है, तो रेसिडुअल माउंटेन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ये भी आपको देखना है। ये किस में आ रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी में आ रहा है,
है, तो माउंटेन के बारे में पूछा है, माउंटेन के अलावा हमें रिवर के बारे में भी पढ़ना है, फिर उसके अलावा हमें प्लेटू के बारे में भी, उसके अलावा मैदान हो गया, मैदान के बारे में पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, मैकमोहन किसको विभक्त करती है, भारत और चीन को। जब मैकमोहन पूछा है तो डूरन भी पूछ सकता है, ठीक है, डूरन पूछ सकता है, रेडक्लिफ पूछ सकता है, उसके अलावा मतलब अपने आसपास जो हैं, आप देखेंगे 2019 में 20 में जो अपने आसपास की देश हैं, कंट्रीज हैं, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक पूछता रहता है। जैसे कि 2019 में था शायद BSF के बारे में पूछा हुआ था, कहाँ कहाँ की मतलब बॉर्डर जो है वहाँ पे ये रहती है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बाउंड्री से रिलेटेड हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल किसी न किसी रूप में। तो आपको ये ध्यान देना है कि बाउंड्री वाला जो क्वेश्चन है वो पूछता ही पूछता है, तो उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें याद करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रक कृषि, ये जो है आपका मैंने बताया था एक टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, मतलब आपका जो आर्थिक भूगोल है उससे रिलेटेड, ये साग सब्जी से रिलेटेड था। अच्छा, आर्थिक वाले में ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड के लेवल पे और इंडिया के लेवल पे दोनों लेवल पे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को घोषित किया गया, ये आपका करेंट का क्वेश्चन है, करेंट में ये देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट में आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट में आएगा, ये याद रखना है, ठीक है, मोटे अनाज के लिए था। फिर विमुक्त जाति दिवस, जो विमुक्त जाति डे मध्य प्रदेश में कब सेलिब्रेट किया जाता है, 31 अगस्त में, तो ये मध्य प्रदेश का आपका करंट हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश का करंट हो गया। फिर राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित थे, एक तो ये लोक नृत्य से हैं, ठीक है, उसके अलावा इनको पद्मश्री मिला था, पद्मश्री, तो ये भी याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड हो गया आपके, ये करंट से रिलेटेड टॉपिक हो गया। एक ये और दुर्गा बाई व्याम, ये दोनों करंट के टॉपिक में चल रहे थे, तो करंट से रिलेटेड हो गया। ऊपर से ये ट्राइबल, ये जनजातीय कला और ये लोक नृत्य, इनसे रिलेटेड थे, तो ये आपका MP में हिस्ट्री वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है, आपका जो फोक आर्ट है, फोक म्यूजिक, सब आपका पूछा जा सकता है और सब पूछा भी गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मध्य प्रदेश में रिविजन करके रखनी है। फिर इसमें से बालाघाट, बैतूल, खरगोन, नरसिंहपुर, इसमें से पूछा हुआ है उत्पाद कौन सा है। तो अभी आप देखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पूरे के पूरे जिलों को असाइन किया गया है, तो आपको फिर अब उनको याद करके रखना है, क्योंकि अगर ये पूछा जा सकता है तो फिर वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो गया, बालाघाट का हो गया आपका कोदो कुटकी, ठीक है, बैतूल का सागौन हो गया, खरगोन का आपका मिर्च हो गया, और नरसिंहपुर का तुअर दाल हो गया, ठीक है। फिर वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, ठीक है, कम पूछा है, सेक्स रेशियो कहाँ है, भिंड में सबसे कम है, तो ये सेंसस वाला क्वेश्चन हो गया। सेंसस का क्वेश्चन चाहे आपका मध्य प्रदेश का हो और चाहे इंडिया का हो, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये आप मतलब याद कर ही लेंगे कि ये एक क्वेश्चन आपका सेंसस से रिलेटेड जरूर बनेगा। इसको आप डबल मतलब स्टार लगा लेंगे, 3-4 स्टार लगा लेंगे कि आपको सेंसस अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर ये हो गया जलवायु, मध्य प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में डिवाइडेड है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में पूछा है, यहाँ आपका आंसर है 11। एग्रो क्लाइमेटिक जोन मैंने बताया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फिर हो गया BHEL का महारत्न उद्यम का दर्जा मिला, कब मिला, 2013 में, ये जो आपका मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री है उस वाले पोर्शन से पूछा गया है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में और कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं और कब इस्टेब्लिश हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपके किसकी हेल्प से इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, अमरकंटक में है, तो ट्राइबल से रिलेटेड जितना भी है, ठीक है, ट्राइबल से रिलेटेड मैंने बताया जैसे फोक आर्ट हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, तो लोक नृत्य, लोक कला से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सारी पढ़नी है, और आप देख रहे हैं कि उसे 3 से 4 क्वेश्चन अभी अभी ही मिल गए हैं, पूरा जब पेपर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे, तो मतलब आपके MP में जो आपका 40 नंबर का है उसमें से भी आप मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो किसके हैं, ये ट्राइबल आर्ट वाले हैं, ठीक है, और ये विश्वविद्यालय पूछ ही लिया ट्राइबल से रिलेटेड। फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है, इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है, कॉपर सिटी, ये आपका हो गया मलाजखंड, ठीक है, बालाघाट, तो ये हमें क्या देखना है कि यहाँ पे मिनरल से पूछा है, मध्य प्रदेश के मिनरल, तो मध्य प्रदेश के और जो
अन्य मिनरल हैं, जैसे कि आपका हीरा हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉपर हो गया, तांबा, उसके अलावा क्या हो गया आपका, मैंगनीज हो गया, ठीक है, बॉक्साइट हो गया, तो ये सारी चीज़ें तो आपके मिनरल वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर है आपका आईटी एक्ट, ठीक है, आईटी एक्ट 2000 में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये सारा है, तो ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी इसमें इंक्लूड हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये आईटी वाला है, और आईटी एक्ट की मतलब जो प्रोविज़न है, मतलब जो सेक्शन हो गया, प्रोविज़न हो गया, वो आपको डिटेल में देखने पड़ेंगे कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो ये डिटेल में देखना पड़ेगा आईटी एक्ट से रिलेटेड। फिर नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है ऑक्शन और डायनामिक प्राइसिंग मार्केट। ये मार्केट का एक टाइप हो गया, कैसा है, ये बी टू बी है, सी टू बी है, तो ये बी टू बी कॉमर्स का है, तो ये आपका जो है ये आईटी वाला है, ये याद रखना है, आईटी का ही लेकिन ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन जैसे बिल्कुल ही अलग हो गया, ये लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया है, तो ये ध्यान रखना है कि आपका आईटी वाला जो सेक्शन है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहाँ क्वेश्चन आने के ई कॉमर्स हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, इंटरनेट, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो आपने ना कभी सुने होंगे ना कभी पढ़े होंगे, तो इसलिए हमें फोकस करना है मध्य प्रदेश और जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी इन पे, कि इन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं, ठीक है, और कम से कम उसमें गलत होने चाहिए क्वेश्चन। फिर दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैक को स्थानांतरित करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है, यूज टू ट्रांसफर डेटा पैकेट्स बिटवीन टू कंप्यूटर नेटवर्क, ये क्या है, राउटर है अपना। तो ये नेटवर्क से रिलेटेड तो बहुत बार क्वेश्चन, हर बार ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता ही है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, राउटर क्या करता है, गेटवे क्या करता है, स्विच क्या काम करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका आईटी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर इंटरनेट पर एक डेटाबेस से जहाँ विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं जिन्हें कहा जाता है, तो ये हो गया आपका डीएनएस, डीएनएस का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। अब जैसे एक का फुल फॉर्म आया है 2019 में 20 में, आपको हर बार क्या मिलेगा, कम से कम एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें फुल फॉर्म पूछा होगा, एक क्वेश्चन, तो ये भी क्या करना है आपको, ये भी आपको लगा के रखना है स्टार, 3-4 स्टार लगा लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है फुल फॉर्म से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, इजी ही रहता है, तो ये आपको एक बना के रखना है कि एक क्वेश्चन इससे पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को कहा जाता है, कंज्यूमर फिक्स प्राइस ऑन देयर ओन विच बिजनेस एक्सेप्ट और डिक्लाइन कम्स अंडर, ये कौन सा मॉडल है, मॉडल पूछा हुआ है, तो आपका मॉडल है कंज्यूमर है, कंज्यूमर फिक्स करता है, तो सी टू बी हो गया, ठीक है, कंज्यूमर फिक्स कर रहा है बिजनेस वालों के लिए, व्यवसाय यहाँ पे ना बिजनेस एक्सेप्ट करता है, तो ये सी टू बी हो गया, ये भी किसका है, ये आपके आई टी वाला पोर्शन है, ठीक है, आई टी में ही आपका ई कॉमर्स वाला जो है उसका आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखिए, बैगा विकास अधिकरण नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कहाँ नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव बैगा डेवलपमेंट एजेंसी, तो बैगा अगर आपको बेसिक भी पता हो कि मध्य प्रदेश में मतलब किस वाले रीजन में आपका जो है बैगा पाया जाता है, तो यहाँ आपका बैगा रहता है, ठीक है, डायग्राम कुछ ज़्यादा ही गंदा बन गया है इस बार, इसे देख लेते हैं, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का रफ नोट, रफ डायग्राम, यहाँ पे आपको मिलेगा बैगा, ठीक है, बैगा, तो ये जो आपका है मंडला, शहडोल, बालाघाट, तो ये आसपास वाले रीजन में है ही बैगा, एक बचता है रायसेन, तो रायसेन ही सही आंसर है, ये रायसेन यहाँ पे, जहाँ पे आपको बैगा जो डेवलपमेंट एजेंसी है वो नहीं मिलेगी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट नहीं भी पता होंगे, तो आप 4 ऑप्शन देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार, अच्छा बैगा के लिए पूछा है, तो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ट्राइबल के लिए, ट्राइब के लिए एक और क्वेश्चन मिल गया हमें। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है, चित्रकार पूछा है, ठीक है, इसमें से तो आंसर आपका नाना साहेब है, चित्रकार पूछा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, जैसे कि जैसे चित्रकार मतलब आपका हो गया क्या, पेंटर, पेंटर के बाद हो गया आपका म्यूजिशियन पूछा जा सकता है, ठीक है, म्यूजिशियन कौन कौन है, इसके अलावा एक्टर कोई है कि नहीं, इसके अलावा अगर कोई थिएटर कर रहा है तो थिएटर से रिलेटेड पूछ लिया, ठीक है, कोई राइटर है तो राइटर से रिलेटेड पूछ लिया, अभी हम देखेंगे विकी राइटर का जो है एक क्वेश्चन हमें मिलेगा भी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें
किसे मध्य प्रदेश से रिलेटेड पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। फिर किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता है, तो मंधाता किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम है, ठीक है। तो ये किसका है, ये है आपके ओंकारेश्वर का। अब जब प्राचीन नाम पूछा है तो आपके जितने भी प्राचीन नाम है, जैसे सांची का प्राचीन नाम है, विदिशा का भी एक प्राचीन नाम है, उसके अलावा आपके ग्वालियर हो गया, ठीक है, और आपका शिवपुरी हो गया, सबके प्राचीन नाम है, तो आपको सबके प्राचीन नाम याद रखने हैं। फिर दुर्गा कलगी लोक नाट्य किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लोक नाट्य मतलब अलग। फिर नेक्स्ट आ गया आपका फोक आर्ट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इससे आप देख रहे हैं 6-7 क्वेश्चन, बल्कि मैं कहूँगी 10 क्वेश्चन आपको लगभग अभी अभी में ही 6-7 क्वेश्चन मिल चुके हैं। लास्ट तक जाते जाते आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आप किससे रिलेटेड हैं, ट्राइबल या फोक आर्ट या उन चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो गया आपका निमाड़ हो गया। फिर कौन सा अभिलेख विश्व में प्रथम विज्ञापन के तौर पर माना जाता है, यहाँ कौन सा हो गया इंस्क्रिप्शन नोन एज द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन सा है, ये आपका दशपुर है, दशपुर अभिलेख। फिर इसमें देखिए जो आपका भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम इसमें याद रखना है ये 35 के तहत, मतलब आपका कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ऐसा आपको लगेगा कि ये सब पढ़ना पड़ेगा क्या, तो नहीं, जो आपका सिलेबस है उसमें दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 1919 में 2020 में आप देखेंगे तो 2019 से क्वेश्चन पूछा गया है और 2021 में 1935 से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये संविधान सभा वाला, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, मतलब आपको लगेगा कि ये बहुत अजीब ही क्वेश्चन हो गया, ये कैसे पता चलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू लेट डाउन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पहला था, सेकेंड था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था, ठीक है, इसमें फिफ्थ आंसर है। लेकिन ये याद रखना है कि इतना मतलब डिटेलिंग में क्यों क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है, ठीक है, संविधान सभा के बारे में, तो संविधान सभा के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब 2020 में देखेंगे उसमें भी एक काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है संविधान सभा में, ठीक है, से रिलेटेड। तो संविधान सभा और जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन दोनों से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये इससे भी काफ़ी डिटेल में पूछ लिया गया, तो ये संविधान सभा में भी क्वेश्चन मिलते हैं। अब आप देखेंगे कि पॉलिटी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, मतलब पॉलिटी में भी ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है या बहुत कम है याद करने के लिए, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा है। तो इसमें से भी हम देख रहे हैं सिलेबस से, ठीक है, एक तो हमें सिलेबस देखना ही है कि सिलेबस में क्या क्या बोला है, और सिलेबस में भी कौन सा, मतलब सिलेबस में भी बहुत बड़ा सिलेबस है, उससे कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, मतलब क्वेश्चन पक्का टाइप का है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे आपका ये एक्ट 2020 में 19 से पूछा गया, 2021 में 35 से पूछा गया, ठीक है, संविधान सभा से पिछली बार भी पूछा गया, इस बार भी पूछा गया, ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे ये क्वेश्चन, दोनों सदनों के संयुक्त सदन बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का आशय, सेम टू सेम क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, मतलब ये शायद पहली बार हुआ होगा कि आपका कॉपी हुआ है क्वेश्चन पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली आपका जो ईयर था 2020 से 2021 में, ऐसे पहले भी हुआ होगा लेकिन लगातार ऐसा नहीं हुआ होगा कि 2020 में भी पूछ लिया, 2021 में भी पूछ लिया, तो ये आप देखेंगे कि सेम मतलब क्वेश्चन मिल गया हमें, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ये याद रखना है आपको। फिर भारतीय संसद में शामिल है, ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो पॉलिटी में भी आप देख रहे हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से दो क्वेश्चन आपको मिल सकता है, संविधान सभा से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा अनुच्छेद अपरस्यता को समाप्त करता है, ठीक है, अबॉलिश अनटचेबिलिटी कौन सा है, ये 17 है, ये आप देख रहे हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन, वो थोड़ा पिछली बार क्या था बच्चों के लिए पूछा हुआ था, इस बार सीधे सीधे पूछ लिया है आर्टिकल 17 के बारे में, तो ये भी आपको मतलब लगा के रखना है कि फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, प्रेसिडेंट से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है,
ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं और आपको इनमें मिस्टेक नहीं करनी है। फिर हो गया आपका अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ कहाँ, ये ग्वालियर में था, ठीक है। ये आपके एमपी के करंट में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, एमपी के करंट में क्वेश्चन है। और ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन से भी आप देख सकते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन से, ठीक है। फिर देखेंगे ये 600 मेगावाट क्षमता की सौर्य तरण परियोजना, फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो इरिगेशन वाला प्रोजेक्ट है, इरिगेशन पिछली बार 2020 में क्या पूछा था, वो पूछा था रीवा के लिए, ठीक है, रीवा में जो आपका सोलर पैनल वाला चल रहा है वहाँ पे रीवा का पूछ लिया, इस बार किसका, ओंकारेश्वर का पूछ लिया। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया या इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कोई सा भी है, तो ये प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट में भी आप लगा सकते हैं स्टार की, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव, ये आपका स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। स्पोर्ट्स में आपको ये चिंकी यादव और विवेक सागर, ये दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। विवेक सागर जो थे वो हॉकी से रिलेटेड थे, चिंकी यादव निशानेबाजी से। ये स्पोर्ट्स के मध्य प्रदेश के दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एक से दो क्वेश्चन स्पोर्ट्स के हर बार पूछे जाते हैं। कभी कभी अकादमी पूछ लेता है, पिछली बार जैसे ही अकादमी पूछा था, ठीक है, इस बार पर्सनालिटी पूछ लिया, ठीक है, इस बार पर्सन के बारे में पूछ लिया है। कभी इवेंट पूछ सकता है, ठीक है, जैसे अभी भोपाल में बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं तो ऐसे इवेंट के बारे में पूछा जा सकता है। फिर कैटलिन नोवाक किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, ये आपको ध्यान देना है, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। और करंट में कैसे क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो पहली महिला अगर किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही मान लीजिए बनती हैं किसी भी कंट्री की, मतलब यहाँ पे हम विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में कहीं भी पहली महिला, महिला को वैसे भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं, तो महिला अगर बन रही है किसी भी कंट्री में पहली राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो वो हमें ध्यान देना है, ये हंगरी की बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है, इन विच बेल्ट द वोल्केनिक इरप्शन इज मैक्सिमम, किसमें है, ये आपके सरकम पेसिफिक में है, ठीक है, परी प्रशांत महासागरी, आपके प्रशांत महासागर वाले एरिया में है। तो ये किससे हो गया, ये फिजिकल ज्योग्राफी से हो गया, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चन आपको मिल गए। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी, जो आपकी मार्क्वेट रेंज है, वो किस लिए फेमस है, किस मिनरल के लिए फेमस है, तो ये किसके लिए है, आयरन ओर के लिए। ये आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए के लिए पूछा है, तो और कंट्री के लिए भी पूछ सकता है। आपको ज्योग्राफी में एक मिलेगा नेचुरल रिसोर्सेज, एक टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन और एक आपका ये क्वेश्चन, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, तो यहाँ एग्रीकल्चर जो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी और सोशल मान लीजिए, सोशल ज्योग्राफी जो है, ठीक है, सोशल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसका है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका आंसर है। तो यहाँ पे सोशल ज्योग्राफी से रिलेटेड वो भी वर्ल्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछा गया। तो जो आपका ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जा रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वो आपको ध्यान देके चलनी है कि ज्योग्राफी में आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन बहुत वास्ट है, मतलब माउंटेन पूछा गया है, ठीक है, उसके अलावा प्लेटू पूछा जा सकता है, प्लेन पूछा जा सकता है, उसके अलावा जो आपके मैदान हो गया, उसके अलावा नदियाँ पूछी जा सकती हैं, ठीक है, नदियाँ हो गया, माउंटेन क्योंकि पूछा ही जा चुका है, उसके अलावा आप देख रहे हैं कि मिनरल्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है, मिनरल पूछे जा चुके हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से कौन सा है, इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड मतलब वहाँ की जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, इकोनॉमी के बारे में भी पूछा गया है, तो ये वर्ल्ड लेवल पे पूछा जा रहा है, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत कितना था, ठीक है, अर्बनाइजेशन इन 2011 सेंसस, सेंसस का एक क्वेश्चन, ये आपका 31.15 है, आपका ये सेंसस का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैंने अभी बताया था एमपी में मिल चुका है ना, ठीक है, भिंड आंसर था, मिनिमम सेक्स रेशियो पूछा था, और ऐसे ही आपको ये इंडिया का मिल गया, तो ये आप बिल्कुल 3-4 स्टार बना के रखें कि सेंसस आपको अच्छे से कवर करना है। 2021 का आया नहीं है, अच्छी बात है, आपको कुछ नया भी याद नहीं करना पड़ेगा, कम से कम 2011 वाला बहुत अच्छे से इंडिया लेवल पे और एमपी लेवल पे आपको याद रखना है।
हमने 50 तक क्वेश्चन देख लिया है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें कैसे उनको प्रिपेयर करना है। 51 वाला जो क्वेश्चन है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो आगे इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही।